हेलो माय ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज सरस्वती पूजा का आज दूसरा दिन है। तो अभी सुबह हम पूजा करके आए, हमारे यहाँ पे यहीं पे बगल में हुआ था, तो गए थे पूजा करने के लिए। तो अभी जस्ट आए पूजा करके। देखिए साड़ी पहने हैं, साड़ी हम घर पे नहीं पहनते हैं, तो ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं, क्योंकि आज पूजा था तो साड़ी पहन लिए और ये सिंदूर का बिंदी लगाए। अभी तुरंत आए पूजा करके, और आज सरस्वती पूजा का दूसरे दिन है, तो सुबह गए पूजा करने और फिर शाम को भी जाएंगे। हम लोग हमेशा जाते हैं, हमारे यहाँ सब कोई जाता है यहाँ पे, तो सोचे कि सुबह है तो आप लोग से थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा वीडियो बना लें। बहुत सारा कपड़ा भी हो गया है, देखिए इतना सारा कपड़ा देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब भी समेटना है। मेरा बेटा अभी नीचे खेलने के लिए गया है, तो देखिए ये उसका केक है, ये अभी खाएगा क्योंकि उसको भूख लगा हुआ था सुबह से। तो ये केक आया था यहीं पे नीचे बेचने के लिए, तो उसके लिए हम ये लिए और उसको भूख लग गया था, तो अभी खाएगा, पता नहीं कहाँ गया खेलने के लिए। आओ आओ ऊपर आओ, आ लो खा लो, आओ खा लो जल्दी, हाँ खा लो, आओ जल्दी ऊपर आओ। देखिए सीढ़ी से ऊपर आ रहा है, लाइट नहीं है हमारे घर में, अभी लाइट कटा हुआ है, अभी लाइट कट गया। आज मौसम भी बहुत अच्छा किया है, पता है सरस्वती पूजा के दिन यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं सरस्वती पूजा में इतना बारिश होगा तो कैसे पूजा होगा। लेकिन सरस्वती पूजा के मतलब 10 बजे तक सुबह, मतलब सुबह तक में देखे कि बारिश बंद हो गया। एक वीडियो हम डाले थे, उसमें देखे कि उसमें बहुत सारा बर्फ़ गिर रहा था, तो उसको रिकॉर्डिंग करके हम डाले, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। लॉकडाउन में भी इतना पूजा हो गया सरस्वती जी का, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना चारों तरफ कोरोना है कि इस पर सोच रहे थे कि पता नहीं पूजा हो पाएगा भी नहीं। और पता है हमारे यहाँ पे मेला भी लगा था, तो हम लोग गए थे मेला देखने के लिए, यहाँ बहुत भीड़ था। हम धनबाद में रहते हैं, तो हम यहाँ पे हर त्यौहार जो है बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। घर पे भी हम लोग रहते हैं, तो अगर किसी का बर्थडे है या फिर शादी का सालगिरह है या फिर कोई त्यौहार है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और हमारे शहर में भी लोग इस तरह ही है, हमारे तरह ही है, छोटा छोटा त्यौहार जो है हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहाँ पे देखिए वैदिक, देखिए हॉल का क्या हाल बना के रखा है, देखिए देखिए हॉल में क्या किया है, देखिए सब कुछ इधर उधर इधर उधर करके, देखिए टेडी बियर को कहाँ फेंका है वो। अब ये सब भी समेटना है, काम भी बहुत सारा रहता है। अभी जा रहे हैं हम, अभी भी कुछ काम है, तो अभी खाना बनाना बाकी है, लेकिन हम फिर भी सोचे थोड़ा सा वीडियो को शूट कर लें, इसके बाद फिर खाना बनाएंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा लेट से बनाना, तो थोड़ा लेट से बनाएंगे।
देखिए ये सब भी कपड़ा है, ये सब भी अभी धोना के धोने के लिए रखा हुआ है। देखिए ये सब भी अभी धोएंगे, देखिए ये सब धोना है और ये सब भी देखिए धोना है, सबको समेट के भी रख दिए हैं, ये सब भी धोना है। अभी वैदी किधर आओ, खा लो जल्दी। देखिए क्या कर रहा है, देखिए बदमाशी कर रहा है कितना। देखिए केक दिए हैं खाने के लिए, तो हैप्पी बर्थडे कर रहा है। खा लो जल्दी से, खा लिया। और यहाँ पे हम लोग का छत का सीढ़ी है, आप लोग को तो दिखाए ही थे ब्लॉग में ऊपर जाने का, शायद मेरे हस्बैंड ऊपर हैं कुछ काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से छत है, हम लोग का छत का सीढ़ी है, शायद ये छत पर ही है कुछ काम कर रहे हैं, बाद में बुलाएंगे वो बड़े वाले भैया लोग हैं ना, उन लोग के साथ ही बैठे हुए हैं। भैया लोग के साथ बैठे हैं, कुछ काम हमको है उनको, तो कैसे बुलाएंगे। हम लोग अपने बड़े भैया के सामने नहीं जाते हैं, उनके सामने। सुबह हम नाश्ता बना कर गए थे, सुबह बनाए थे। देखिए ये गोभी का भुंजिया, देखिए ये गोभी का भुंजिया बनाए हैं, ये वाला गोभी का भुंजिया है ये, और ये रोटी बनाए थे, पराठा बनाए थे। तो सब कोई नाश्ता कर लिए हैं, हम भी पूजा करके आए तो हम भी नाश्ता कर लिए हैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए हैं। बस अब खाना बनाना है, क्योंकि अभी तो तुरंत पूजा करके आए हैं, तो अभी खाना बनाएंगे। अभी बनाएंगे पालक का सब्जी, दाल चावल और धनिया पत्ता है उसका चटनी बनाएंगे। और सरस्वती पूजा है, तो आज तो हम लोग मछली अंडा वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, अब सरस्वती पूजा के बाद ही बनाएंगे वो सब। अभी तो फिलहाल दाल चावल पालक का सब्जी बनाएंगे अभी खाना। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी दीदी मेरी वीडियो को देखती है लेडीज़, तो उन लोग भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अकेले रहते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता है कि किस टाइप का वीडियो बनाएं। तो जैसे समझ में आता है तो हम बना देते हैं। और आप लोग बताइए कि साड़ी पहन के कैसे लग रहा है। और आप लोग जो भी दीदी लोग मेरी वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और मेरा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी है, तो वो सब भी देखिएगा, वो सब भी सारा वीडियो ठीक ही है, मतलब अपना वीडियो है तो हम तो नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने के लिए, और आप लोग वीडियो को देखिए और बाय बाय।